हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ पे अभी यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी की 20 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो चुके हैं। दोस्तों मैं एग्जाम सेंटर के बाहर ही दोस्तों खड़ा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो एग्जाम सेंटर दोस्तों मैं अगला वीडियो आपको आएगा। बच्चों की रिएक्शन भी आप देख लीजिएगा, साइंस मैथ जीके की रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन आए। लेकिन दोस्तों मुझे कुछ क्वेश्चन मिले हैं, मैं जल्दी से इन क्वेश्चनों करा दे रहा हूँ। टॉपिक आप लोग देख लेना, जिनका भी आगे शिफ्ट है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो भाई अब यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका यहाँ पे अलग रीजनिंग बाद देखते हैं, पर जीके देख लेते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में स्थित है, सिंध में कौन स्थित है, बस ये बताइए। तो आपका सिंध में जो मोहनजोदड़ो है, चंदोड़ो है, और कौन सा है, कोट डीजी भी है दोस्तों, ठीक है। तो वो आपका सिंध में स्थित है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, मतलब 2-3-4 किस्म में राइट ऑप्शन यही। अगला दिया गया, आंध्र भोज के नाम से विख्यात कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बनेगा बी पार्ट। 8 तेलुगु कवि को ही अष्ट दिग्गज कहा जाता था, कृष्णदेव राय के दरबार में जो 8 दिग्गज थे, ये चीज़ याद रखिएगा, 8 तेलुगु कवि थे वो। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। चलो भाई डिटेल में भी थोड़ा बता देंगे। अगला दिया, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी, तो 29 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन राम प्रसाद बिस्मिल राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दिया, सूर्य को अपनी आकाश गंगा के केंद्र की ओर परिक्रमा करने में 250 मिलियन वर्ष लगते हैं, इस अवधि को कहते हैं, तो इसका हो जाएगा 100 वर्ष कहते हैं। अगला दिया, लद्दाख चलवासी कृषि निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, मलेशिया राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दिया, भारत का सबसे ऊंचा K2 जो होता है गार्बिन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, काराकोरम में स्थित है। दोस्तों आगे के शिफ्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, 33 का सी ऑप्शन मध्य प्रदेश। अगला दिया, निम्नलिखित में से किस विश्व के किस बायोम को अन्य भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के कीड़ा स्थल की संख्या दी गई है, तो 34 का राइट ऑप्शन है यहाँ पे शीतोष्ण घास बायोम। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही है, ठीक है, ये आपको बताना है, तो 35 का राइट ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। वैसे मैंने पहले ही बताया था रेलवे ग्रुप डी में अगर ये सभी या उपरोक्त सभी का ऑप्शन आता है तो उसी को टक लगाइएगा। चलो ये सभी ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। अस्पृश्यता छुआछूत वाला जो है अनुच्छेद 17 में बिल्कुल सही है। लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में और 14 में आप लोगों को क्या विधि के समक्ष समता का अधिकार है। अब दोस्तों यहाँ पे अगले प्रश्न देख लेते हैं, किसी राज्य में राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है, तो 36 का राइट ऑप्शन आपका बनेगा राज्य की विधायिका द्वारा। दोस्तों रीजनिंग के भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान समझिएगा। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम कितने कैलोरी ग्राहकता की संतुति की गई है, तो 37 नंबर का बी ऑप्शन 2400 कैलोरी। अगला दिया, किसके नियम के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, तो 38 का राइट ऑप्शन ग्रेसम का नियम है, ठीक है। अगला दिया गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था, तो बताइए कौन सा हो सकता है, इस क्वेश्चन काफ़ी बार बताएं, मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन बन के आए थे, ठीक है। अभी मैं एग्जाम सेंटर के बाहर ही दोस्तों खड़ा हूँ, इसके बाद आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे पहले नंबर का राइट ऑप्शन ए बनेगा, प्रोटीन विकास से कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा मिलती है हमसे, ठीक है। अब ये अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग में। अब दोस्तों मैथ में कैलकुलेटिव वाले काफ़ी क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, कैलकुलेशन वाले जिससे कि टाइम टेकिंग होगा, और दूसरी बात साइंस के क्वेश्चन आपके घुमावदार आ रहे हैं, जितनी आप साइंस पढ़ लीजिए उतनी कम है, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा साइंस पढ़ लीजिएगा, बहुत ही प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। साइंस में घुमा क्वेश्चन बन रहा है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इसका राइट ऑप्शन ये है, देखो ऐसा है ना, सी के बाद में डी ई समझ गए होगे, या फिर ऐसे कर लो, ई 5 में आता है, सी 3 में आता है, बी 2 में आता, तो इसका 3 जब भटक तो 26 में पहुँच जाएगा, जेड से एक ऑप्शन। अगला देखते हैं, चलो ए से पीछे जाने के लिए आपको जेड का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे समझ गए होगा। निम्नलिखित में से प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को आपको चुनना है, तो तीसरे का बी ऑप्शन है, 5 × 20 ऐसे कर लो, 5 × 20 5 वही संख्या से एक घटा के गुणा किया गया, 5 × 20 प्लस 1 जोड़ दिया गया, एक उसी संख्या से एक घटा दिया, 7 से एक घटा दिया, 7 × 42 एक जोड़ दिया गया, 43 तीसरे का बी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द आपको बताना है, तो भूगोल यहाँ पर राइट ऑप्शन है, ठीक है। भूगोल लेकिन अलग है, लेकिन जो केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो लेकिन एक ही के अंतर्गत, साइंस के अंतर्गत आ गए, लेकिन ज्योग्राफी अलग है।
दोस्तों आज ये एक एग्जाम सेंटर से मैं लाइव वीडियो अगला आपका आने वाला है कुछ ही समय बाद, कुछ ही मिनट के अंदर। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों इस चैनल पर आपको सबसे पहले शिफ्ट प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है, इसका वैसे ये राइट ऑप्शन था, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आगे शिफ्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट, रिपीट करेंगे क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब सभी लोग कर लेना।